में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। बारिश के चलते कस्बा गोसराय में विद्युत व्यवस्था हुई ध्वस्त। सुबह से हो रही विद्युत कटौती से लोग हैं भारी परेशान। ललितपुर में राहगीरों से लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों को बताया जा रहा है कि शराब पीने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए राहगीरों से लूटपाट की घटना को अंजाम दे डाला। वहीं SP ने बदमाशों को पकड़ने वाली टीम को 25,000 का इनाम देने की है घोषणा। जालौन पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। बताया जा रहा है कि SOG और सर्विलांस के संयुक्त रूप से चलाए जा रहे अभियान के तहत 3 अंतर जनपदीय सातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से अवैध हथियार, चोरी के मोबाइल और सफेद रंग की एक स्विफ्ट गाड़ी की गई है बरामद। हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र के मजगवा गांव में अज्ञात चोरों ने एक मकान को बनाया निशाना। बताया जा रहा है कि चोर 2,00,000 रुपए के जेवर व 50,000 की नकदी उड़ा ले गए हैं। वहीं परिजनों ने कोतवाली में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बांदा में नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम देने का मामला आया सामने। वहीं पुलिस ने पीड़िता के परिजनों के अनुसार शिकायत दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बांदा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। अवैध गांजा तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेज दिया है जेल। इन आरोपियों के पास से लगभग 20,00,000 रुपए का अवैध गांजा भी बरामद किया गया है। वहीं 2 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। बांदा जनपद के मोहतान में पुलिस और SOG टीम ने स्मैक तस्करी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि आरोपी फरुखाबाद से स्मैक लाकर बेचता था, जिसके पास से लगभग 200 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई है। छतरपुर की गुलगंज थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 24 घंटे के अंदर रेप करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। फरुखाबाद जनपद में युवक को मारी गोली। गोली चलने की आवाज से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई की शुरू। सोलिस ट्रैक्टर का नया शोरूम अब आपके शहर मऊरानीपुर में, तो आज ही संपर्क करें राजपाल मोटर्स से, जिनका पता है गुरसराय रोड मऊरानीपुर 86। अभी लेने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।